एक ऐसा भी समय था जब गोविंदा को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां छाई थी। वो इंडस्ट्री के आन बान और शान हुआ करते थे। बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टारों में से एक गोविंदा के उस दौर की तरफ नजर डालें तो गोविंदा को लेकर आलम यू था कि हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता था, क्योंकि उस समय गोविंदा हिट होने की गारंटी हुआ करते थे। तभी तो उनके पास ढेरों सारी फिल्मों के ऑफर भी हुआ करते थे। एक तरफ जहां गोविंदा कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू रहे थे, तभी वहीं गोविंदा एक अपनी आदत को लेकर बदनाम भी हो गए थे। वो ये थी कि ढेरों सारी फिल्मों की शूटिंग के दौरान गोविंदा हर बार शूटिंग सेट पर लेट हो जाया करते थे। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि गोविंदा की यही आदत उनका करियर ले डूबी। गोविंदा शूटिंग सेट पर लेट आया करते थे। कई बार तो सुबह का शेड्यूल वो शाम को पूरा करते थे, जिससे सिर्फ निर्माता निर्देशक नहीं बल्कि फिल्म सितारे भी परेशान रहा करते थे। लेकिन तब क्या हुआ जब गोविंदा का सामना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। अमिताभ बच्चन जो अपनी फिल्मों के सेट पर हमेशा सही वक्त पर पहुंचने के लिए जाने जाते थे, लेकिन गोविंदा के साथ फिल्म करने को लेकर सभी को लग रहा था कि आखिर गोविंदा कैसे अमिताभ बच्चन को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां गोविंदा लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वहीं दूसरी ओर गोविंदा की आदत थी कि वो हमेशा सही शूटिंग सेट पर लेट आएंगे। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गोविंदा और अमिताभ बच्चन ने हम फिल्म में काम किया था और इसके लंबे समय के बाद इन दोनों की जोड़ी छोटे मियां बड़े मियां में देखने को मिली। हम फिल्म तो ठीक ठाक रही, लेकिन छोटे मियां बड़े मियां एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। डबल किरदारों में अमिताभ बच्चन और गोविंदा छा गए और ये फिल्म उस जमाने की सुपर डुपर हिट रही। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक किस्सा भी है जो किस्सा काफी ज्यादा सुर्खियों भरा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने फिल्मों के सेट पर हमेशा से ही वक्त पर पहुंचने के लिए पाबंद हुआ करते थे और आज भी उनके सेट पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनके वक्त पर पहुंचने से कई एक्ट्रेस मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। राजेश खन्ना के साथ भी यही देखा गया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना कभी वक्त पर नहीं आते थे, तो वहीं अमिताभ जल्दी ही सेट पर आ जाते थे, जिस वजह से राजेश खन्ना को मुश्किल होती थी। गोविंदा के साथ भी इसी तरह मुश्किल आई थी जब वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों गोविंदा एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते थे और इस वजह से सेट पर अक्सर देर से आते थे। जब अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें फिल्म मिला तो ऐसी बात होने लगी कि गोविंदा को टाइम से सेट पर आना होगा। गोविंदा ने इस वाक्य का जिक्र इंडिया टुडे से बातचीत में किया था। उन्होंने इस दौरान बताया था, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मिली तो मैं डर गया और लोग ये कहकर डराने लगे वो तो समय पर आते हैं। मैंने कहा मैं तो आ ही नहीं सकता, इतनी फिल्में कर रहा हूँ। इस इंटरव्यू में गोविंदा आगे बताते हैं, मैंने अमिताभ जी से कहा कि मुझे लेकर कोई सवाल ना उठे, इसका आप ख्याल रखिएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे फोन करके बता देना कि किस समय पर आ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है और किसी को क्या प्रॉब्लम है मुझे उससे मतलब नहीं है। ये कहकर मैंने वो फिल्म साइन की। इसके बाद गोविंदा सेट पर आने से पहले अमिताभ बच्चन को फोन कर देते थे, जिसके बाद वो आते थे और फिल्म की शूटिंग होती थी। गोविंदा ने कपिल शर्मा शो पर भी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के अपने अनुभव का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब उन्हें फिल्म ऑफर की गई तो बिना स्क्रिप्ट पढ़े उन्होंने हाँ कर दी थी। उन्होंने बताया था कि उस फिल्म का मैंने सब्जेक्ट भी नहीं सुना, उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी मुझे नहीं पता थी। फिल्म के सीन लिख दिए जाते थे, जब मैं सेट पर आता तब मुझे सीन दिया जाता था। हालांकि हम आपको इस बात की जानकारी भी देना चाहेंगे कि जब छोटे मियां बड़े मियां का गोविंदा को ऑफर हुआ था और इस बात की इन्फॉर्मेशन गोविंदा को दी गई थी कि इस फिल्म में आपके साथ सदी के मानक अमिताभ बच्चन होंगे, तो गोविंदा को कई लोगों ने कहा था कि वो अमिताभ बच्चन के साथ काम ना करें और इस बात का खुलासा गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। गोविंदा ने बताया था कि जब अमिताभ बच्चन का दौर अच्छा नहीं चल रहा था और उस वक्त मैंने और अमिताभ ने साथ में मिलकर बड़े मियां छोटे मियां साइन की थी, तब लोगों ने मुझे कहा था कि अमिताभ के साथ फिल्में ना करें। गोविंदा ने कहा था कि ऐसा भी वक्त था जब लोग अमिताभ को लेकर फिल्में नहीं करना चाहते थे। पूरे वाक्य का जिक्र करते हुए गोविंदा ने बताया था कि जब अमिताभ के साथ फिल्म बड़े मियां छोटे मियां साइन की थी तो कई लोगों ने उन्हें वार्निंग दी थी कि साथ में काम ना करें। लोगों को लग रहा था कि अमिताभ धोखा देंगे, वे डेंजरस हैं, लेकिन गोविंदा ने किसी की बात नहीं सुनी थी। उनका कहना था कि उन्हें कई बार अमिताभ और खांस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है, इन वजहों से मुझ पर बुरा असर भी काफी हुआ था, लेकिन बाद में मैंने खुद को इससे निकालने में खुद पर काम किया। वैसे देखा जाए हम और बड़े मियां छोटे मियां दोनों ही अच्छी खासी फिल्में रही हैं और गोविंदा के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। मौजूदा दौर की बात करें तो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सदी का महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन बरकरार हैं, वहीं दूसरी ओर गोविंदा का इस समय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से नामो निशान मिट चुका है। हो सकता है कि गोविंदा आने वाले समय में किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ एक जबरदस्त वापसी करें।